हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जेईई मेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम 18 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहां से आप वो 18 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर आपको दिया हुआ है, साइन 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 63 अपॉन 65 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 2 स्क्वायर रूट ऑफ 126 अपॉन 65, ऑप्शन बी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 65 अपॉन 65, ऑप्शन सी 8 स्क्वायर रूट ऑफ 63 अपॉन 65 एंड ऑप्शन डी स्क्वायर रूट ऑफ 63 अपॉन 65। केसीईटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है आपका पाई माइनस साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2, राइट। सो यहां पर आपका एक्स जो है ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2 है, इसलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस टर्म में, राइट। सो ट्वाइस साइन, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 63 अपॉन 65। पर यहां पर x की जगह क्या है, यही है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 63 अपॉन 65, 1 माइनस 63 अपॉन 65, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा और x की वैल्यू अगर ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। यहां पर आ गया आपका साइन ऑफ साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 126 अपॉन 65, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 126 अपॉन 65, ठीक है, क्योंकि साइन साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5 पाई, देन एक्स इज इक्वल टू, केरला सीईई में ये एग्जामिनेशन आया है। 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू माइनस रूट 3, सी इज इक्वल टू रूट 2, डी इज इक्वल टू 2 एंड ई इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, सो ये हो गया 5 और ये जो बना हुआ है ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का, वी नो दैट, राइट। यहां पर भी ये फॉर्मूला जो है 2 tan इनवर्स एक्स का है, इसकी जगह भी हम 2 tan इनवर्स एक्स लिख देते हैं, और ये फॉर्मूला भी 2 tan इनवर्स एक्स का है तो इसकी जगह भी हम 2 tan इनवर्स एक्स लिख देते हैं। भाई 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले हैं, cos इनवर्स की फॉर्म में, sin इनवर्स की फॉर्म में, tan इनवर्स की फॉर्म में, तो ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं, 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं, तो इनकी जगहों पर हमने क्या रख दिया, 2 tan इनवर्स x पुट कर दिया,
अब देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना कि इसकी ये तीन फॉर्मूले होते हैं, तो अब सवाल कितना आसान हो गया। यहाँ से हो गया टेन टेन इनवर्स एक्स, यहाँ से हो गया 14 टेन इनवर्स एक्स, यहाँ से हो गया माइनस 8 टेन इनवर्स एक्स, और ये हो गया माइनस 10 इनवर्स एक्स इजिकल टू 5 पाई, राइट। सो ये कितना हो गया 24, और ये हो गया 9। तो 24 माइनस 9 टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू 5 पाई, ये हो गया आपका 15 टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू 5 पाई। 5 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये हो गया टेन इनवर्स एक्स पाई बाय 3, तो यहाँ से आ गया एक्स इजिकल टू 10 पाई बाय 3, और 10 पाई बाय 3 का मतलब हो गया √3, यानी कि एक्स इजिकल टू आपका क्या हो गया, √3 हो गया, ठीक है। सो ऑप्शन ई जो है वो आपका करेक्ट है फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इजिकल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8, देन एक्स इज इक्वल टू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। राइट, सो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। इस फॉर्म में अपन इसको ओपन करें तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8, ये हो गया पाई बाय 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, और ये हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला है ना ये, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स 5/2 के इक्वल होता है, जैसे यहाँ 5/2 रखा, इसलिए कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों फॉर्मूले पहले सारे याद कर लेना ये सवाल करने के पहले, क्योंकि हर सवाल में मैं फॉर्मूला लिखूं वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो पाई स्क्वायर बाय 4 ये हो गया, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू 5/2 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर आ गया आपका 2 टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 टेन इनवर्स एक्स माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस में से ये आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये बचेगा, राइट। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 5/4 एंड 3 पाई बाय 4। नाउ वी गेट
tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर, यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। ठीक है, तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।